जो कठिनाइयां तुम्हें डराती हैं, वही तुम्हें मजबूत और सफल बनाती हैं। संघर्ष से ही सफलता मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक प्रेरणादायक कहानी के बारे में जानेंगे जो हमें बढ़ने, सफल होने और धैर्य के बारे में सिखाती है। हम ये समझेंगे कि चुनौतियों का सामना करना हमें कैसे मजबूत बनाता है और कठिनाइयों को पार करना हमारे सपनों को साकार करने का मार्ग कैसे बनाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये कहानी एक छोटे लड़के आर्यन की है और अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वह कई सालों बाद अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां पहुंचकर आर्यन हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता रहता है। खेलते खेलते एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत सफल इंसान बनूंगा, क्या आप मुझे कामयाब बनने के कुछ तरीके बता सकते हैं? दादाजी मुस्कुराए और कहा, हाँ जरूर। फिर वे आर्यन को एक पौधों की दुकान पर ले गए जहाँ छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहां से दादाजी ने दो छोटे पौधे खरीदे और दोनों घर लौट आए। घर पहुंचकर दादाजी ने एक पौधा बड़े से गमले में लगाया और उसे घर के अंदर रख दिया। वहीं दूसरा पौधा उन्होंने घर के बाहर जमीन में लगा दिया। फिर उन्होंने आर्यन से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा भविष्य में अधिक अच्छा और बड़ा होगा? आर्यन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जो पौधा घर के अंदर है वह बड़ा होगा, क्योंकि वह हर समस्या से सुरक्षित रहेगा। जो पौधा बाहर है उसे तेज धूप, आंधी तूफान, बारिश और जानवरों से खतरा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं क्या होता है। 4 साल बाद आर्यन फिर से अपने दादाजी के गांव आया। उसने दादाजी से कहा, दादाजी लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि मैं कैसे सफल हो सकता हूँ, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। दादाजी हंसते हुए बोले, पहले चलो उन दो पौधों को देखते हैं जो हमने लगाए थे। वे आर्यन को उसी जगह ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा अब बड़ा हो गया था, लेकिन सिर्फ एक गमले जितना ही। फिर वे उस जगह गए जहां दूसरा पौधा बाहर लगाया गया था। वहां उन्होंने देखा कि वह पौधा अब एक विशाल और मजबूत पेड़ बन चुका था, जिसकी शाखाएं बहुत लंबी और शक्तिशाली थी। उसका साया पूरे मैदान पर फैल गया था। दादाजी ने आर्यन से पूछा, अब बताओ कौन सा पौधा अधिक बड़ा और मजबूत हुआ है? आर्यन ने उत्तर दिया, वह पौधा जो हमने बाहर लगाया था, लेकिन ये कैसे संभव है? इस पौधे ने कई मुश्किल हालातों का सामना किया होगा। तेज धूप, आंधी, बारिश जैसी समस्याओं ने इसे परेशान किया होगा, फिर भी ये इतना बड़ा और मजबूत कैसे हो गया? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन इन्हीं समस्याओं से लड़ते लड़ते वह इतना विशाल और मजबूत बन पाया है। हर आंधी, हर तूफान ने उसकी शाखाओं को और मजबूत बनाया, और इसीलिए आज वह इतना बड़ा पेड़ बन चुका है। अब उन समस्याओं का उस पर कोई असर नहीं होता। दादाजी ने फिर कहा, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी जिंदगी में संघर्ष नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं हो सकते। कठिनाइयां तुम्हें डराती हैं, अगर तुम हमेशा आरामदायक और सफल रास्ता चुनोगे तो संघर्ष से आगे नहीं बढ़ पाओगे। आर्यन ने ये बातें सुनी, गहरी सांस ली और फिर उस विशाल पेड़ को देखा। दादाजी के शब्द उसके मन में घूमने लगे। वह समझ गया था कि जीवन की समस्याएं और कठिनाइयां ही उसे सफलता के शिखर तक ले जाएंगी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली समस्याएं और चुनौतियां हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं।